खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्काईमेट वेदर रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। मौसम आज से फिर बदलाव लेकर आ गया है। एक तरफ उत्तर भारत में तो दूसरी ओर पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की हलचल दिखेगी। शुरुआत उत्तर भारत से करते हैं, जहां जम्मू कश्मीर के करीब एक नया WD पहुंचा है। सिस्टम के कारण जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा और कुछ स्थानों पर बर्फबारी होने की संभावना है। जम्मू, वैष्णो देवी और उधमपुर सहित राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में तेज बारिश की भी संभावना है, जबकि पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होगी। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और हिमपात होने के आसार हैं। उत्तराखंड में 20 मार्च को बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। मैदानी इलाकों में इस सिस्टम का असर दिखेगा और आज से बारिश का नया एपिसोड शुरू होगा। पंजाब और हरियाणा में गरज के साथ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना आज है, जबकि मैदानी इलाकों के बाकी हिस्सों जिसमें दिल्ली, जयपुर, आगरा समेत तमाम शहर हैं, इनमें बादल आज दिखेंगे, लेकिन बारिश की उम्मीद आज नहीं है। इन भागों में वर्षा की गतिविधियां कल दिख सकती हैं। उधर छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में जारी प्री मॉनसून हलचल में अब कमी आएगी। कॉन्फ्लुएंस जोन यहां पर जो बना हुआ था, जिसके कारण इन भागों में बारिश हो रही थी, अब ये सिस्टम पूर्वोत्तर भारत की तरफ चला गया है, जिसके कारण आज बोकारो, धनबाद, चाईबासा, जमशेदपुर सहित झारखंड के कुछ हिस्सों और ओडिशा में छिटपुट वर्षा होगी, जबकि कोलकाता सहित दक्षिणी बंगाल के शहरों में गर्जना और लाइटनिंग के साथ तेज बौछारें गिरने की संभावना आज भी बनी रहेगी। पूर्वोत्तर में बारिश बढ़ेगी। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित कई भागों में यहां पर बारिश होगी और बारिश की गतिविधियां अगले 2-3 दिनों तक बनी रहेंगी। साउथ और सेंट्रल इंडिया में मौसम शुष्क रहेगा। मुंबई और चेन्नई सहित ईस्ट और वेस्ट कोस्ट पर गर्मी के साथ साथ उमस से भी करना होगा मुकाबला। इस बीच लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना कल जारी हो गई। इसके साथ ही जिस तरह तापमान ऊपर जा रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां भी उसी तरह बढ़ेंगी। रैलियों का मौसम शुरू होगा। राजनीतिक दलों से हमारा सुझाव है कि मौसम को ध्यान में रखते हुए रैलियों का समय रखा जाए, ताकि जनता को कोई परेशानी न हो। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। ये है ABP News, आपको रखे आगे।